नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जो भी कहने जा रहा हूं उससे पूरे अटेंशन के साथ में सुन लो। यह वीक पूरे क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीक में एक ऐसा गेम हो सकता है जो कि आप सभी को पूरा हिलाकर रख सकता है, और इसी गेम के बारे में इस वीडियो के अंदर बिगेस्ट प्रूफ के साथ में बताने वाला हूं। बस इतना समझ लीजिएगा कि यह वीडियो इस वीक का सबसे सुपर पावरफुल वीडियो होने वाला है। जितना जोर लगाकर बता रहा हूं उतने ही जोर के साथ में जबरदस्त शानदार बात बताने वाला हूं। आगे आपकी मर्जी है, बस इतना समझ लीजिएगा जो आपने थंबनेल पर देखा है वो 100 नहीं 200% हो सकता है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स सीधा बात स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन को लेकर, और इसका चार्ट मैंने ओपन कर रखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले मैं आपको इस बात का जीता जागता प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था या नहीं, मैंने यह डंप आने से पहले आपको बताया था या नहीं। तो यह रहा इसका प्रूफ। आपने प्रूफ देखा, हमने आपको साफ साफ कहा था कि अगर इस प्राइस चैनल का ब्रेकडाउन करता है तो आपको बहुत जल्दी बिटकॉइन इस जोन में देखने को मिलेगा, और इस जोन के अंदर आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने फ्रेंड्स लॉन्ग की ट्रेड मारी हो इस जोन से तो इस जोन से इसकी प्राइस ऊपर देखने को मिली हमारे को 3.22% के आसपास। इसीलिए बोलता हूं कि आपके जेब में मनी आएगा, मतलब आएगा, सिर्फ आपको 5-7 मिनट की वीडियो देखना है। मेरे दोस्तों अब मैं आपको जो कहने जा रहा हूं उसे जो कहते हो अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां क्या हो रहा है, बिटकॉइन पिछले कुछ दिनों से इस तरह से हमारे को एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, इस इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग सपोर्ट का सपोर्ट लेते हुए। यहां पर एक और सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है वो क्या कि हम इस रेजिस्टेंस लेवल से लगातार एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है उसके अंदर भी एक अप ट्रेंड होता है जो आप यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बिया पर मुझे लगता है कि हम बिटकॉइन को लेकर हम जा सकते हैं $23,000 के आसपास, और फिर बाद में वहां से फाइनली हम गिरना स्टार्ट करें। तो हमने जो यहां पर एंट्री ले रखी है उसे हम यहां पर 30% पोजीशन के साथ में होल्ड रखेंगे, 70% प्रॉफिट आप अभी के अभी बुक कर लीजिए। अब मान लीजिए बिटकॉइन की प्राइस यहां से नीचे आ जाती है और इस जोन से नीचे और इस एरिया से नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देती है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो फ्रेंड्स हम इस 30% पोजीशन को क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर ऊपर गया तो यही 30% पोजीशन हमारे को और जबरदस्त प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। अब देखिएगा आगे की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीक यूएसए से बहुत सारे डाटा आने वाले हैं तो उनका सीधा इंपैक्ट यहां पर हमारे को S&P 500 इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है, और S&P 500 इंडेक्स को बिटकॉइन बहुत अच्छी तरह से फॉलो करने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी प्रकार का डाटा नेगेटिव आता है ऐसी स्थिति में आपको इसका ब्रेकडाउन फिर रिटेस्ट करने के लिए और फाइनली आपको बिटकॉइन देखने को मिल सकता है यहां पर $21,244 से लेकर $21,500 के बीच में, और यहां से आप फर्दर एक और लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं क्या देख रहा हूं, मैं यहां पर यह चीज देख रहा हूं तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको बिटकॉइन के ऊपर पूरी नजर रखनी है, अगर बिटकॉइन के अंदर यह होता है तो फ्रेंड्स इसी के आधार पर मैं आगे आपको मैटिक की, सोल की और फ्लो की जबरदस्त ट्रेड देने वाला हूं। यकीन मानिए आपको 1% भी हल्के में नहीं लेना है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मैटिक कॉइन को लेकर, और इसका चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको इस बात का प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि जब मैटिक की प्राइस यहां पर चल रही थी तब मैंने आपको इस जोन के अंदर मैटिक के अंदर ट्रेड लेने के लिए बोला था या नहीं। तो यह रहा प्रूफ। उसी के साथ में कैंडल की विक आपको इस जोन में देखने को मिल जाए, तो अगर आपको 1.0496 से लेकर 1.1007 के आसपास कोई भी कैंडल की विक देखने को मिल जाए तो डेफिनेटली यहां से आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। मैं लूंगा, यह मैटिक का सुपर अपडेट है। तो मेरे दोस्तों आपने प्रूफ देखा, मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मैटिक की प्राइस अगर आपको 1.0496 से लेकर 1.1007 के आसपास देखने को मिल जाए तो यहां से आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। और जिसने यहां पर लॉन्ग की ट्रेड ली फ्रेंड्स इस कैंडल के अंदर उसको यहां पर 6.36% का स्पॉट में प्रॉफिट हुआ,
और वहीं फ्यूचर्स के अंदर ये ट्रेड दी गई थी 2x लेवरेज से 12% का प्रॉफिट हुआ। मेरे दोस्तों इस बात को समझिए, कब समझेंगे, अगर आप समझ जाएंगे तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपकी जेब में मनी आएगा, मतलब आएगा। और तो और फ्रेंड्स, हमने इस लेवल के ऊपर जो भी ट्रेड ली थी उसके अंदर भी हमारे को प्रॉफिट हुआ था। अब मेरे दोस्तों जो भी बताने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है। बिटकॉइन अगर S&P 500 इंडेक्स DXY इंडेक्स को फॉलो करता है और बिटकॉइन के अंदर हमारे को कुछ इस तरह से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मैटिक की प्राइस हमारे को और नीचे देखने को मिल सकती है। सपोर्ट मैटिक इस जोन के अंदर बना सकता है, लेकिन एक कैंडल की विक आपको इस जोन में देखने को मिल सकती है जिसके अंदर नीचे का लेवल है 0.9512 का, ऊपर का लेवल है 0.9835 का, और यहां से आप फर्दर मैटिक को पकड़ सकते हैं स्पॉट के अंदर भी, साथ ही में फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग की ट्रेड भी। मैं दोनों को ही अच्छी तरह से यहां से पकड़ने वाला हूं। अगर मैटिक यहां से ऊपर जाता है, जाने दीजिए मेरे दोस्तों, हमने यहां पर जो भी ट्रेड लिया है उसका 60% प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, 40% पोजीशन को आप होल्ड रखिए, यही 40% पोजीशन हमारे को और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे देगी। तो मेरे दोस्तों यह मैटिक का अब तक का सबसे जबरदस्त अपडेट है। और फ्रेंड्स वही बात करते हैं सोलाना कॉइन को लेकर, तो इसका चार्ट मैंने ओपन कर रखा है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। जब सोलाना की प्राइस इस लेवल से ऊपर चढ़ रही थी तब मैंने आपको साफ साफ जोर देकर कहा था अगर इस लेवल से नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो इस बात की हाई से भी हाई पॉसिबिलिटी होगी कि सोलाना की प्राइस आपको बहुत जल्दी इस जोन के आसपास देखने को मिलेगी, इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगी 20.061 के आसपास, और यहां से आप सोलाना के अंदर लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। मैंने यह बात बोली थी या नहीं, सबसे पहले इसका प्रूफ देख लीजिए। ये जो लेवल आप देख रहे हैं 21.866 डॉलर का है, अगर इस लेवल से नीचे वन डे के टाइम फ्रेम पर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो इस बात की हाई से भी हाई पॉसिबिलिटी होगी कि आपको सोल सोलाना पहले इस लेवल तक देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस लेवल पर सोल सोलाना के अंदर एंट्री बना सकते हैं फ्यूचर्स की। तो आपने प्रूफ देख लिया है, अगर आपने इस लेवल के आसपास सोलाना को पकड़ा तो फ्रेंड्स इस कैंडल के अंदर सोलाना की प्राइस हमारे को 21.866 के आसपास देखने को मिली, लगभग स्पॉट के अंदर 7.52% का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने 5x लेवरेज लिया तो कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर टेक्निकल एनालिसिस चलता है, दौड़ता है, और आप सभी के लिए यह मेहनत की जाती है, तो आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अब मेरे दोस्तों जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए यहां पर सोल क्या कर रहा है, इस जोन को फॉलो कर रहा है पिछले कुछ दिनों से 1 डे के टाइम फ्रेम पर, लेकिन एक और चीज समझने की है और वो क्या कि इस ट्रेंड लाइन को भी है बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। तो अगर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा सा डंप आता है तो मुझे लगता है कि सोल इस जोन को होल्ड कर सकता है, इस जोन को होल्ड कर सकता है, लेकिन आपको एक कैंडल की विक इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से नीचे देखने को मिल सकती है। अगर आपको किसी भी कैंडल की विक 1 डे के टाइम फ्रेम पर 18.795 डॉलर के नीचे देखने को मिल जाए तो वहां से आप इसके अंदर लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। मैं लॉन्ग की ट्रेड लूंगा क्योंकि फ्रेंड्स जब भी यहां से ऊपर जा रहा है आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, और बहुत सारी एनालिसिस करके ही मैंने आपको इसकी यह ट्रेड दी है। यह सोल का जबरदस्त अपडेट है, और अगर बिटकॉइन यहां से अप ट्रेंड में वापस स्टार्ट हो जाता है तो डेफिनेटली सोल इसी चीज को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करने वाला है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फ्लोकी इनू कॉइन को लेकर। जो भी कह रहा हूं 1% भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जितनी बार मैंने इसकी आपको ट्रेड दी है उतनी बार ही ट्रेड ने फाड़ू तरीके से जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट के साथ में काम किया है। इसका चार्ट मैंने प्रेजेंट टाइम पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन कर रखा है। जब इसकी प्राइस इसमें चल रही थी तब हमने आपको अपडेट दिया था ब्रेकआउट हो रिटेस्ट हो एंट्री लेना, लेकिन मेरे दोस्त जब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था तब मैंने आपको साफ साफ कहा था कि जब यह वापस से आपको इस जोन के आसपास देखने को मिले तो यहां से आप इसके अंदर लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं और आपको प्रॉफिट होगा, मतलब होगा। क्या यह चीज मैंने बोली थी या नहीं, इस बात को भी देख लीजिए। एक सबसे बड़ी बात कि अब आपको ट्रेड कब लेनी है कि इनू के अंदर, तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आपको देखने को मिल जाए अब फ्लो की इनू ऐसा कुछ 0.4042 से 0.4045 के आसपास तो यहां से आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते। तो मेरे दोस्तों आपने प्रूफ देख लिया है, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि इस जोन में आता ही आप यहां पर फ्लोकी इनू को पकड़ लेना, और यहां पर जिसने भी मेरी वीडियो को सीरियस लेकर फ्लोकी इनू के अंदर एंट्री ली उसको स्पॉट के अंदर फ्रेंड्स कुछ ही देर के अंदर 18.29% का प्रॉफिट हुआ। और अगर मान लीजिए आपने फ्यूचर्स के अंदर 2x लेवरेज से ट्रेड ली तो खुद अंदाज लगाइए कितना जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। लॉन्ग टर्म के चक्कर में मत बैठिए, शॉर्ट टर्म में भी आप मनी को 2 गुना 10 गुना कर सकते हैं। यह चीज मैंने फील की है
और यही चीज मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूं। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अपना पूरा फोकस रखिए। तो मेरे दोस्तों अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर फ्लो की इनों की प्राइस इस तरह से हमारे को फिर से एक प्राइस चैनल के अंदर देखने को मिल रही है। पहले प्राइस चैनल के अंदर देखने को मिलती तब इसका ब्रेकआउट हुआ था। यहां पर दो प्रकार की ट्रेड है और दोनों की दोनों ट्रेड फ्रेंड्स आपके लिए लग सकती है। तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। देखिए अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है होने दीजिए, अगर फ्रेंड्स इस लेवल से इस जोन से ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है रिटेस्ट करने के लिए आए ऐसी स्थिति में आप लॉन्ग की ट्रेड यहां से ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और प्राइस नीचे ही आती है आने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यह इस जोन तक हमारे को एक कैंडल की विक दिखा सकता है 0.4x032 से लेकर 0.4x035 के आसपास। और इस जोन के अंदर अगर आपको एक भी कैंडल की विक देखने को मिले 4 आवर के टाइम फ्रेम पर तो डेफिनेटली आप फ्लो की इनो के अंदर लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। मैं लूंगा और यह ट्रेड आपके लिए जबरदस्त तरीके से काम कर सकती है। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से यह आज का वीडियो था। साथ ही में अभी मैंने आपको जिन कॉइन के बारे में बताया है ठीक उन्हीं कॉइन के अंदर आपको ट्रेड लेना है। जिस भी कॉइन के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताया है उनके अंदर आप किसी भी प्रकार की ट्रेड ना ले, क्योंकि उनके अंदर अभी रिस्क है और इसीलिए छाट कर मैंने यह सारे कॉइन्स आपको बताए हैं। बिटकॉइन के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है इसकी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि कुछ कंफर्मेशन मुझे नहीं मिला है और इसीलिए मैंने थंबनेल पर लगाया है कि बिटकॉइन एंड पर। क्यों? क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर वह एक ट्रेंडिंग सपोर्ट के एंड पर बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारे को इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड चल रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है, इसको ध्यान से पहले समझना है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करके बताइएगा और साथ ही में फ्रेंड्स कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आप बिटकॉइन को कहां पर देख रहे हैं। फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।